जी हाँ दोस्तों, अभी तक देखने को मिल रहा है किस प्रकार से महाभारत यानी कलश चैनल पर प्रसारित होने वाली बी आर चोपड़ा जी के निर्देशन द्वारा महाभारत लोगों को कितना प्यार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताएं दोस्तों, महाभारत पर बढ़ता इतना प्रेम लोगों का काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि लोग उनसे कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीख रहे हैं। और इस समय देखा जाए, माहौल को देखते हुए, लॉकडाउन के समय में कोरोना वायरस जैसी नेगेटिविटी जो हमारे आसपास मंडरा रही है, उसको दूर करने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए अपने अंदर श्री कृष्ण जी का उपदेश अगर सुन ले तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी श्री कृष्ण जी का उपदेश, जो इस समय हम सभी को सुनने को मिल रहा है कलश चैनल पर प्रसारित होने वाली महाभारत में। श्री कृष्ण जी का उपदेश सुनने के बाद हृदय तृप्त हो जाता है। आपको बताएं दोस्तों, यही कुछ बात कहना है अर्जुन जी का, जो महाभारत में हमें फिरोज खान जी अर्जुन जी का किरदार निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका कुछ अलग तरीके से मानना है दोस्तों, क्योंकि आपको बताने वाले हैं कैसी कहानी जो आप सभी को बेहद पसंद आएगी। आप फिरोज खान जी को बखूबी जानते हैं, जो महाभारत में अर्जुन जी का किरदार निभा रहे हैं। फिरोज खान, नाम से ही पता चल गया होगा दोस्तों आपको कौन से समुदाय, कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, इसमें कोई बताने की दोहराई नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं फिरोज खान होने के बावजूद इन्होंने अर्जुन जी की भूमिका निभाई इस बात को लेकर, क्योंकि ये एक अच्छे एक्टर थे। एक एक्टर होने के नाते इन्होंने एक्टिंग करना समझा सही और स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही इन्होंने सब कुछ एक्टिंग करी। लेकिन दोस्तों, इनके इस एक्टिंग करियर के चलते इनका जीवन बदल गया, क्योंकि जब इन्होंने महाभारत की युद्ध के समय श्री कृष्ण जी का उपदेश सुना, उपदेश सुनने के बाद इनके दिल में कुछ ऐसी भावना जागी कि इन्होंने अपना नाम ही बदल के अर्जुन रख लिया, फिरोज खान से नाम बदल के अर्जुन रख लिया। क्योंकि लोगों का बढ़ता प्यार, लोग जहाँ पर भी जाते थे लोग इन्हें अर्जुन कह के ही बुलाते थे। उसके बाद दोस्तों आपको बता दें, इनका मानना है कि श्री कृष्ण जी द्वारा उपदेश जो इन्होंने महाभारत की युद्ध में सुना, ये उसको सुनने के बाद अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित मानते हैं, यानी कि काफ़ी लक्की महसूस करते हैं अपने आप को इस बात को लेकर कि इन्होंने कोई ना कोई अच्छा कर्म करा होगा, जिसके चलते एक दूसरी कास्ट में भी जन्म लेने के बाद श्री कृष्ण जी के द्वारा इन्हें उपदेश सुनने को मिला महाभारत के युद्ध में, जो कि सिर्फ एक एक्टिंग करियर के लिए था। लेकिन कहीं ना कहीं जब उपदेश इन्होंने सुना श्री कृष्ण जी द्वारा, यानी जो श्री कृष्ण जी की भूमिका निभा रहे हैं नीतीश भारद्वाज जी द्वारा, उन्होंने इसकी लाइफ को बदल दिया। यानी कि श्री कृष्ण जी के द्वारा उपदेश दिए गए, नीतीश भारद्वाज द्वारा बोले गए हर शब्द ने फिरोज खान जी की लाइफ को बदल दिया, और जितने भी उपदेश में बातें कही गई थी इन्होंने अपने जीवन में अपनाने के बाद इनके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिले। दोस्तों इस बात को लेकर ये काफ़ी ऐसा अच्छा महसूस करते हैं कि दूसरी कास्ट में जन्म लेने के बाद भी इन्होंने श्री कृष्ण जी के द्वारा उपदेश सुना, तो ये काफ़ी अच्छे कर्म के नतीजा है जिसके चलते जो इन्हें इस जन्म में मिला। आप भी दोस्तों महाभारत प्रसारित होने वाली कलश चैनल पर प्रसारित होने वाली महाभारत जरूर देखिएगा, क्योंकि इस समय चल रहा है महायुद्ध का समय, बस युद्ध की घोषणा होने वाली है। और साथ ही साथ अभी श्री कृष्ण जी अपनी अच्छी अच्छी बातों से सभी लोगों का दिल जीत रहे हैं और उपदेश दे रहे हैं। उपदेश में कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो आप सुनने के बाद आपका जीवन संवर जाए, ऐसी बातें हैं वो सारी। आशा करते हैं दोस्तों आप भी श्री कृष्ण जी के द्वारा उपदेश सुने, उपदेश सुनने के बाद आपकी आंखें टस से मस नहीं होंगी, इस बात की गारंटी हम लेते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी जब बात करते हैं तो सभी लोग सिर्फ शांतपूर्वक होकर उनकी बातों को सुनते हैं, और उनके उपदेश में कही हर बातों को सुनने के बाद अपने जीवन में अपनाते हैं, जिसके चलते उनका जीवन सफल हो जाए। तो श्री कृष्ण जी के हर उपदेश को ध्यान से सुनिएगा। धन्यवाद दोस्तों।